नहीं सॉरी, एक महीने में 3 किलो वजन कम कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है सर? यस, ऐसा पॉसिबल है। वेरी हैप्पी बर्थडे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी मैं शूट पे जा रही थी और यहाँ की मैंने बोला था ना, बारिश का कोई भरोसा नहीं है। तो देखो, मेरे पीछे फिर से बारिश होने लगी है। अभी हमें जुहू जाना है, यहाँ पे हम अंधेरी में और सब वेट कर रहे हैं कि बारिश रुके, हम जाए। लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही था। और मैं तो कहीं छाता लेके भी नहीं आई, मतलब यहाँ बिना छाते और रेनकोट के निकलना मतलब बेवकूफ़ी होगा। मेरे सारे बाल भी भीग गए। अब पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी, कब हम शूट पे जा पाएंगे। नेक्स्ट वीक ये देखो, घर बैठे कमाए पेपर राइटिंग के जरिए 7 दिन में 10,000 से 12,000 पगार। तो गाइस, कांटेक्ट करना किसी को ये जॉब चाहिए तो। घर बैठे कमाई, और इंग्लिश तो आती होगी, हिंदी आती होगी, मराठी तो कम ही लोगों को आती होगी। तो गाइस, अभी फाइनली बारिश बंद हुई है, अब हम अपना शूट शुरू करते हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक है ना, थिएटर्स खुलने वाले, तो उसके बारे में पूछना है कि अगर थिएटर्स खुलते हैं तो लोग जाते हैं कि नहीं, क्योंकि कोविड अभी भी लोगों को डर लगा होगा। तो फिल्में देखने जाएंगे कि नहीं, तो आप देखने जाएंगे कि नहीं बताना मुझे। तो अभी मैं काम ख़त्म करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। गाइस, अभी मैं रिव्यू कर ही रही थी, देखो मुझे एक एक्टर मिले यहाँ पे। हेलो सर, कौन सी मूवी की है आपने? मैंने मूवी राधे मूवी किया हूँ। अच्छा, सूर्यवंशी किया हूँ सर, किस मूवी आने वाली? अरे सूर्यवंशी जो अभी आने वाली है अक्षय कुमार के साथ। हाँ, उसके बाद सर्कस मूवी किया हूँ, बहुत सारी मूवी किया हूँ, आप लोग देख पाएंगे। अपना चश्मा हटाओ ना। ये देखो, जब सूर्यवंशी रिलीज होगी आप इन्हें देख लेना, और इनसे मैं फोटोज भी ले लेती हूँ। ये सच में मूवीज में आए, मैंने देखा इन्हें। तो ऑल द बेस्ट आपकी फिल्म के लिए जो आने वाली है। अच्छा लग रहा है एक्टर के सामने खड़े हो यार तुम लोग, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये देखो, फोटो खिंचाने के लिए सर के साथ खड़े हो रखे थे। गाइस, अभी शूट में बड़ा मजा आ रहा है, और मुझे यहाँ पे एक अलग तरह का मोमो दिखा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अलग ही तरह का मोमो लग रहा है, तो मैंने सोचा कि यार एक अलग चीज मिली है तो आपको वीडियो दिखाना चाहिए, ब्लॉग दिखाना चाहिए। तो दिखाती हूँ मैं आपको, और बताना मुझे ऐसा मोमो देखा है कि नहीं। ये देखो, कुछ अलग डिजाइन का मोमो मिला है मुझे, फूल वाला, कितना सुंदर लग रहा है। ये देखो, और कौन कौन से डिजाइन बनाते हो? बहुत सारे। जैसे? जैसे आपको रैबिट का मिलेगा, रैबिट कैट हो गया, कैट वाला और डॉग वाला मिलेगा, अलग अलग टाइप के डिजाइन। ये वाकई बहुत सुंदर है यार। फूल वाला मोमो किसी ने खाया है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और जिसने नहीं खाया है यहाँ पे खाने आना, अंधेरी में है ना स्टेशन पे। तो गाइस, अभी मैं घूम ही रही थी कि मेरे को एक बहुत ही अच्छी डील मिली यहाँ पे कि आप 1 महीने में 3 किलो वजन कम कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है सर? यस, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग इसमें काम करते हैं और भारी मात्रा में हमारे साथ लोग मिलते जुलते हैवी वेट गेन रहता है, जैसे कि 120 kg, 100 kg। 100 kg वेट भी कम है? कैसे? नहीं, 100 kg नहीं, नॉर्मल इनका वेट अगर 100 kg है तो मान लीजिए हम लोग वहाँ से एक महीने में उनका 10 किलो भी यहाँ से कम हुआ है। क्या प्रोडक्ट है आपकी? क्या प्रोडक्ट है? हेल्थ टोटल हेल्थ प्रोडक्ट है, देखा जाए तो स्वामी डायरेक्ट कंपनी का प्रोडक्ट है। उसमें आपके डाइट्स को फॉलो करना रहता है, हमारी कंपनी एक प्रोटीन पाउडर प्रोवाइड करती है, और आपको एक एक टाइम का खाना आपको सेव करना रहता है, खाना ही रहता है। आपको प्रोटीन ही पीना है, वो खाना वाना नहीं खाना है? एक टाइम का खाना आपको, या तो दोपहर का खाना आप लॉस करिए, या तो नाइट में सोचिए। जब खाना नहीं खाएंगे तो अपने आप ही पतले हो जाएंगे? ना 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 ना, फिर भी तो अपना क्या होता है, जो अपना चर्बी जो फैट होता है वो अपने को नेचुरल तरीके से घटता नहीं। जिस पाउडर के अंदर ऐसा क्या है? वो हमारे पाउडर में जो कि आपको खाना छोड़ना रहता है, इसके लिए छोड़ना रहता है, क्योंकि आप खाना नहीं खाओगे तो आप फिटनेस में जाओगे, फिटनेस जाओगे आपका सेट डाउन होगा। तो मतलब आप मील को थोड़ा सा हटा के अपना पाउडर दोगे? जी जी। तो मुझे बोले सर कि ले लो ये पाउडर, अच्छा रहेगा ना। एक महीने में कितने किलो कम होंगे? कम से कम 2 से 3 kg। अच्छा, चलो ठीक है। गाइस, मुझे बताना ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, आपने सुना है कि नहीं इसके बारे में? ठीक है, अभी मैं फाइनल
फाइनली घर आ गई हूँ। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुई, उसके बाद सब ठीक ही हो गया। मुंबई में मैंने बोला था ना, बारिश का कोई भरोसा नहीं है। और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यार कि मुझे अलग अलग लोगों से मिलना, बातचीत करना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो अभी मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाने वाली हूँ अपने भैया, दीदी, जीजू और मम्मी पापा की, क्योंकि भैया का बर्थडे था 24 सितंबर को और उसी दिन मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी भी आती है। तो उन लोगों ने वीडियो बना के भेजा है, व्लॉग बना के भेजा है, तो आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो मुझे पता है। और उन्होंने भी बहुत इन्जॉय किया ताइवान में, और मम्मी पापा ने क्या किया वो भी देखना अभी। तो फिर उन्होंने देखो पहले, फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि आज भैया का जन्मदिन है, और साथ में मैंने आपको बताना भूल गई होंगी कि पापा मम्मी का वेडिंग एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह भी इसी दिन होती है। और ये काल आप बताओ यार, ये रहा आपका बर्थडे बॉय। हेलो, पहले तो आपको हैप्पी बर्थडे हमारे भाई को, प्यारे प्यारे भाई को, और साथ में मम्मी पापा को विश कर दो यार। मम्मी पापा को भी सालगिरह की शुभकामनाएं, और आज 31 साल हो गए। 31 साल? हाँ, मैं सोच रही 25 साल हुए बस अभी, मतलब 24 साल हो गए हैं। हाँ, तो इसकी एज तो बता देना क्या हो सकती है। केक में इसने 25 साल से वही कैंडल जला रहा है ये। मैं 26 की हो गई, 27 की मैं पूरी हो रही हूँ। और अभी मैं अपने दोस्तों से भी आपको बुलवाना चाहूंगा। I wish you a happy wedding anniversary, mom and dad. It's lovely. Happy wedding anniversary. मनी कितना रहे तू? दादी को क्या लगेगा? आज क्या लगेगा? दादी लगे रहे? हाँ दादी, एक शमी है तेरे पड़ी ही आदानी शमी थे ही मेरे बालकी आज बड़ी कब बनी खाने ले? तो मेरे बालकी में आनो चुकी दादी में, दादी रे मिलना कुछ जान अशुद्ध की आग बुझ गई अशुद्ध की आदानी लाइट नहीं लगी। क्या हुआ? मजा आ गया। सॉरी दोस्तों, कॉपीराइट की वजह से मुझे गाना चेंज करना पड़ रहा है, देखते हैं मैच करता है कि नहीं।
मिल बात तुम भी काम फ्री लग गया रंधवा आ तुम्हें पता भी नहीं कि आज शादी सालगिरह है ना आज तुम देखती सी शादी सालगिरह से मुबारक हो तुम भाई हैं ये तो विजय को तुम तो पता भी नहीं कोई गिफ्ट नहीं भी कुछ नहीं है पापा जी रे सोचिए ये गिफ्ट तक नहीं देते भूल जाते हैं ना काम पे बिजी रहते हैं तो आज भूल गए कि शादी की सालगिरह बेटे का बर्थडे एक ही दिन आता है तो भूल गए पापा जी है ना तो क्या बना तुम बड़ी स्पेशल आज है कुछ भी पकौड़े बनाओ चलो पकौड़े खीर है कुछ और बस और कुछ नहीं ठीक है तो पकौड़े खीर बनाती हूँ पापा भूल जाते हैं और लगे रहते हैं काम पे एक ही रूटीन तो बोले गिदेड़े तोल दो तुम्हारे लिए गिदेड़े यानी गुड़ तोल दो तो यहाँ पे आ रखे भाई साहब गुड़ लेने ये देखिए तो पापा जब ने काम पे ही लगे रहते हैं और बिजी रहते हैं बहुत तो भूल जाते हैं तब मुझे याद दिलानी पड़ती कि आज सारी की सालगिरह आज बच्चों का बर्थडे है ऐसी बात है सोनी का पापा जी थोड़ा पतले हो चुके हैं काम कर करके है ना अरे तो सामान मेरे लिए कभी पापा ये नहीं बोलते तू भी कर काम तो देख मैं खुद कर लूँगा बस कोई चिंता वाली बात नहीं है तू घर का काम कर मैं दुकान का करता हूँ तो मुझे मैंने कभी दुकान का काम नहीं किया तो ठीक है बाय तो गाइस आई होप आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा अलग अलग वीडियो देख के भैया दीदी की ताइवान में देख के जब वो चूल्हा फूंक रहे थे और आप कितने भी बाहर हो ना और ज्यादा याद आती है गांव की वो ताइवान रहते हैं तो हम सबसे ज्यादा उनको याद आती है और वो वहाँ पे गढ़वाली में बात करते रहते हैं बहुत मजा आता है और मम्मी पापा तो फिर मम्मी पापा ही हुए मम्मी पापा को बोले तुमको तो कुछ याद भी नहीं रहता पापा बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और लेकिन दिल में बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ते हैं शोनी करते हैं मम्मी को हर पापाओं की आदत होती है तो मैं चाहती हूँ कि पापा एक दिन मम्मी को डेट पे लेके जाएं अब अगर वो पापा मान जाते हैं डेट पे लेके जाने के लिए कभी डिनर कराने तो उसका व्लॉग मैं बनवाऊँगी मम्मी से तो चलो आई होप आपने इन्जॉय किया होगा व्लॉग को इन्जॉय किया तो लाइक करना शेयर करना कॉमेंट करना मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए लेकर आती रहूँगी तब तक के लिए आपको क्या करना है ख्याल रखना है ठीक से रहना है कॉमेंट करना है मुझे वीडियो देखने मेरे तो चलो बाय बाय